हेलो दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आरजे टेक पे। दोस्तों आज हम टेस्ट करने वाले हैं आसूस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है या नहीं है। मेरे पास है एक USB डोंगल जो कि शो करता है चार्जर के आउटपुट रेटिंग को, और यहां पर मेरे पास है फास्ट चार्जर एक लिनोवो P2 का जिसका रेटिंग है 12 वोल्ट 2 एम्पीयर का, और यहाँ पर है MI का पावर बैंक जो कि फास्ट चार्ज करता है फोन्स को, और यहाँ पर आसूस का जेन्युइन चार्जर है जिससे पता चल जाएगा ये चार्जर जो है कितना आउटपुट वगैरह देता है। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ इस बेल का आइकन को दबाना मत भूलिएगा जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जो भी मैं नए अपलोड करूंगा। तो फ्रेंड सबसे पहले जो है जेन्युइन चार्जर को कनेक्ट कर लेते हैं फोन के साथ और देखेंगे ये कितना आउटपुट देता है। ये जो चार्जर है वो इसी फोन के साथ आया था और इसका जो रेटिंग है वो 5.2 एम्पीयर का है। इसे जो है बोर्ड के साथ कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पर है मेरे पास एक USB जो कि चार्जिंग के रेटिंग को शो करेगा, तो इससे भी कनेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद जो है USB केबल को कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर मैंने जो है USB केबल को कनेक्ट कर लिया है। अब जो है फ़ोन को इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर मैं फ़ोन को इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं जो है चार्जिंग को ऑन करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने चार्जिंग को ऑन कर दिया है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और यहाँ पर जो है चार्ज होने लगा है फ़ोन, यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे। और अभी फिलहाल के लिए आप देख पा रहे हैं ये जो आउटपुट दे रहा है वो 5.14 वोल्ट का दे रहा है, और यहाँ पर 0.95 एम्पीयर, तो यहाँ पर जो है आप 5.9 हो गया है वोल्ट, और यहाँ पर जो है आपको 95 ही नज़र आ रहा है, 97 हो रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी देर जो है वेट कर लेते हैं और देखते हैं ये जो है कितना चार्ज दे रहा है इस फ़ोन को, यानी कि कितना जो है एम्पेयर तक जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 5.10 वोल्ट हो चुका है, और अभी जो एम्पेयर हो रहा है वो 1.35 एम्पेयर हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो चार्जर है वो मैक्सिमम जो है इस फोन को 5.10 वोल्ट 1.52 एम्पीयर तक जो है चार्ज करता है। इस फोन में जो है 5000 मिलियम पावर बैटरी है, तो इस हिसाब से अगर देखें तो इस फोन को चार्ज करने में लगभग 2.5 से 3 घंटे जो है समय लग जाएगा इस चार्जर को। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा स्लो चार्जर लेगा। अब जो है लेनोवो P2 के चार्जर को जो है इस फोन के साथ कनेक्ट करेंगे। ये जो है एक फास्ट चार्जर है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 12 वोल्ट 2 एम्पीयर का चार्जर है, और इसे कनेक्ट करके देखेंगे ये फोन जो है फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने जो है लिनोवो P2 के चार्जर को इस फोन के साथ कनेक्ट कर दिया है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और ये फोन जो है फास्ट चार्ज नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो चार्जर आउटपुट दे रहा है वो 5.24 वोल्ट 0.95 एम्पीयर का आउटपुट दे रहा है, तो यहाँ पर जो है उल्टा ये फोन को स्लो चार्ज कर रहा है। तो मैं आपको बोलूंगा आप जो है किसी भी थर्ड पार्टी जो है चार्जर के साथ इस फोन को चार्ज मत कीजिएगा, आपका फोन जो है स्लो चार्ज होगा। आप जो जेन्युइन चार्जर दिया गया है उससे ही जो इस फोन को चार्ज कीजिएगा, जिससे आपका फोन जो है 2.5 से 3 घंटे के अंदर चार्ज हो जाएगा, वरना जो है काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। यहाँ पर देख पा रहे हैं थोड़ा ज्यादा ही टाइम लगेगा इस फोन को चार्ज होने में। अब जो है मैं MI के पावर बैंक के साथ जो इस फोन को टेस्ट करूंगा, ये पावर बैंक भी जो है फास्ट चार्ज करता है फोन को। तो यहाँ पर ये कितना चार्ज करता है फास्ट इस फोन को देखने वाली बात होगी, तो इससे भी जो है कनेक्ट करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने जो है पावर बैंक को कनेक्ट कर दिया इस फोन के साथ, और जो आउटपुट रिजल्ट मिल रहा है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 5.6 वोल्ट का, और यहाँ पर 1.22 एम्पीयर का। तो ये लगभग जो है नॉर्मल चार्जर जैसा ही इस फोन को चार्ज कर देता है। तो यहाँ पर ये फोन जो है पावर बैंक के जरिए जो है काफी आराम से चार्ज हो जाएगा। आपको जो है मी पावर बैंक 2i लेना पड़ेगा, तब जो है इस फोन को आप आराम से चार्ज कर पाएगा। तो यहाँ पर जो है ये चार्ज ले रहा है ठीक तरीके से। अब जो है इसे दूसरे पोर्ट में शिफ्ट करते हैं, देखते हैं दूसरे पोर्ट में जो है ये कितना चार्ज करता है। तो यहाँ पर मैंने जो है दूसरे पोर्ट में इसे शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि पावर बैंक में जो है 2 पोर्ट है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अभी जो ये चार्ज ले रहा है वो 4.95 वोल्ट पे, और यहाँ पर 0.46 एम्पीयर शो कर रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा देर वेट करते हैं और देखते हैं ये कितना जो है बढ़ता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये भी जो है उसी के तरह ही चार्ज कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट पोर्ट जैसा ही जो है आउटपुट दे रहा है। तो यहाँ पर जो है ठीक है, आप जो है पावर बैंक से चार्ज कर सकते हैं इस फोन को MI के पावर बैंक से, जो कि एक फास्ट चार्जिंग आउटपुट वाला पावर बैंक है। तो यहाँ पर जो है ये फोन जो है फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज फ्रेंड लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस फोन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी क्वेरी हो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई दूंगा।
तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और यूं हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए आरजे टेक्निकल्स के साथ।